अगर आपका भी खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसे निकालने वाला फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, अगर आपका भी खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप कैश विड्रॉल का फॉर्म अर्थात पैसे निकालने का फॉर्म भरना चाहते हैं, जब आप बैंक में जाते हैं तो आप पासबुक के साथ इस फॉर्म को भरेंगे तभी आपको कैश विड्रॉल यानी पैसे निकाले जाने का जो प्रोसेस है वो होता है संपूर्ण। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा और आप आसानी से पूरी जानकारी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूं। अब यहां पे आपको ये सबसे पहले ऊपर ऑप्शन मिलेगा, ये शाखा। तो यहां शाखा कौन सी है, तो ये शाखा मैं लिख देता हूं किदवई नगर। ये किदवई नगर है, शाखा कानपुर, किदवई नगर मैं लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहां अकाउंट नंबर आपको लिखना है इस तरीके से अकाउंट नंबर लिख देंगे। और उसके बाद अकाउंट नंबर लिखने के बाद ये अकाउंट नंबर मैंने लिख दिया। यहाँ कट इसलिए मैंने कर दिया है जिसमें आप अकाउंट नंबर पूरी तरीके से जान ना पाए मेरा। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आप पासबुक में देखेंगे वहाँ मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि मुझे सेल्फ रुपए, तो कितने रुपए आपको निकालना है, तो आप यहाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में। तो ये हिंदी में मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी लोग हिंदी में समझ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए 5000 रुपए मैं लिख देता हूँ, 5000 रुपए इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, 5000 रुपए। कोई मात्र भी आगे लिख देता है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं होता। ये 5000 रुपए लिख देंगे। फिर उसके बाद ये डेट लिखी होती है तो ये डेट यहाँ पे लिख देंगे। डेट यहाँ पे आपको लिख देना है 2 जून, यहाँ पे 2 जून और 2024 चल रहा है, तो यहाँ पे ये डेट 2024 यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। ये कट नहीं करना, ये मेरे से गलती से हो गया, आपको कट नहीं करना है। अगर कट हो जाए तो आप दूसरा फॉर्म ले लीजिएगा, लेकिन कट नहीं करना, मेरे से गलती से हो गया तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब उसके बाद यहाँ 5000 रुपये लिख देना, 1 2 3 0 लगा देना और इस तरीके से 5000 लिख देना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है खाता धारक का हस्ताक्षर, तो आपको अपने हस्ताक्षर कर देना है। जिसका भी बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहा है जो भी, वो उसको अपने हस्ताक्षर यहाँ पे करने होते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, नाम ज़्यादातर कैपिटल लेटर में लिखिएगा या फिर आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं। इससे ये होता है कि पढ़ने में आसानी होती है और जो अफसर बैठा होता है उसको पढ़ने में आसानी होती है, तो वो जो है पेमेंट आपको सही से दे देगा। अब यहाँ फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले आपको शाखा डालनी होती है तो शाखा यहाँ डाल लीजिए। फिर उसके बाद खाता नंबर यानी अकाउंट नंबर डालना होता है, अकाउंट नंबर आपकी पासबुक में मिल जाएगा, वहाँ से डाल लीजिएगा। उसके बाद मुझे रुपए के आगे आपको जितना भी रुपए निकालना है वो आपको यहाँ डालना होता है, तो रुपए डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डेट डालनी, जिस डेट को आप बैंक गए हैं उस डेट को डालना है। उसके बाद रुपए यहाँ अंकों में डालना है। उसके बाद खातेदारक का हस्ताक्षर जो है वो अकाउंट होल्डर का नेम जो है डालना है यहाँ पे नीचे, और ऊपर जो है सिग्नेचर डालना है। इतना आपने कर लिया, उसके बाद इसे बैक करना होता है। यहाँ पे आपको 2 साइन पहले से कर लेना होता है, तो यहाँ पे मैं 2 साइन आपके सामने करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे 2 साइन कर लेना है इस तरीके से, और आपको ध्यानपूर्वक साइन करना है, दोनों साइन मैच होने चाहिए। यहाँ पे मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट के साइन नहीं, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद ये वेरीफाई करता है वहाँ का ऑफिसर इस तरीके से, और वेरीफाई करने के बाद जो है इसको जो है आपको अपनी पासबुक के साथ लगा के काउंटर पे देना है। उसके बाद वेरीफाई करेगा, हो सकता है एक साइन और करवाए, नहीं तो वेरीफाई कर लेता। उसके बाद आपको पैसे जितने भी आप चाहते हैं वो निकाल के दे देगा। इस तरीके से आपका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल अर्थात पैसे निकालने का फॉर्म भरा जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।